एनजीटी की मंजूरी के बाद दिल्ली सरकार ने ऑड इवन वापस लिया। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारी शुरू, हेलीकॉप्टर से होगा पानी का छिड़काव। उत्तर भारत में धुंध के चलते रेल यातायात पर लगी ब्रेक, दिल्ली आ रही 64 ट्रेनें लेट, 14 का समय बदला और 2 ट्रेनें रद्द। जीएसटी पर सरकार का बड़ा फैसला, अब 28% स्लैब में सिर्फ 50 लग्जरी सामान शामिल, 178 सामान सस्ते होंगे। रेस्टोरेंट में खाना सस्ता होगा, सभी बदलाव 15 नवंबर से लागू होंगे। जीएसटी दर में बदलाव के बाद भी राहुल गांधी आक्रामक मूड में, कहा मोदी सरकार को गब्बर सिंह टैक्स नहीं लगाने देंगे। गांधीनगर में आज व्यापारियों से मिले राहुल। गुजरात में कांग्रेस को मिल सकता है पाटीदारों का साथ, हार्दिक पटेल ने दिया संकेत, कहा बीजेपी ने लॉलीपॉप दिया लेकिन कांग्रेस के पास आरक्षण देने की इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भिड़े प्रशांत भूषण, अवमानना की कार्रवाई की चुनौती दी, जज बोले आप इस लायक नहीं। इंडिगो के बाद अब एयर एशिया की महिला यात्री के साथ बदसलूकी, 3 के खिलाफ FIR दर्ज। और औद्योगिक उत्पादन आधे से भी कम हुआ, पिछले 6 महीने में पिछले साल के मुकाबले पूंजीगत निवेश में 6 गुना कमी आई।